दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। से आज लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है और सूर्य नगरी देव में भी छठ व्रतियों द्वारा करना किया जा रहा है। जगह जगह पर मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी की आग से पीतल के पात्र में गुड़ और दूध से मिश्रित खीर बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रसाद को ग्रहण कर व्रती 3 दिनों का निर्जला उपवास रखेंगी। गौरतलब है कि औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में खरना का अलग ही महत्व है। जो यहाँ पे भी कोई व्रत करता है और कुछ भी अपना मन्नत मांगता है वो पूरा होता है। इसलिए हम हमारा मन्नत माने थे हमारे बच्चे के लिए, वो मन्नत पूरा हुआ तो हम वो व्रत करने के लिए। आज क्या है? आज तो खरना है। ये जो खरना के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान सूर्य नारायण के लिए वह जो है सो प्रसाद बनाते हैं, खीर प्रसाद, मीठा प्रसाद बनाते हैं और वह मीठा प्रसाद ग्रहण कर ही लोग जो है सो छठ व्रत का दूसरे दिन तीसरे दिन उपवास होता है, वह उपवास करते हैं और चौथे दिन पारण भगवान सूर्य नारायण का अर्घ दे करके वे पारण करते हैं। यही खरना का मतलब है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में लगने वाले 4 दिवसीय छठ मेले की आज से शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, पुलिस कप्तान दीपक बर्नवाल एवं कर्नल AK सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस मेले का विधिवत उद्घाटन किया। गौरतलब है कि देव का यह छठ मेला देश के कुछ चुनिंदा प्राचीन छठ मेलों में से एक है, जहां सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के 10 लाख से भी ज्यादा छठव्रती तथा श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। DM राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि यहां आने वाले छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। सूर्य मंदिर है, उसकी मान्यता बहुत ज्यादा है और अपने आप में इसका जो इतिहास है और इसकी जो प्राचीनता है, ये एक धरोहर के रूप में बिहार के हर जिले का हर व्यक्ति जानता है। छठ पूजा में यहाँ पे एक अलग ही तरह की रम्यता रहती है, एक अलग ही माहौल रहता है, भक्तिमय हो जाता है पूरा का पूरा औरंगाबाद इस एक क्षेत्र की वजह से। तो मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग संयम से भक्तिमय वातावरण में प्रशासन को सहयोग देते हुए इस पर्व को मनाएं, मेरी यही अपील है। क्योंकि इस बार थोड़ा पुलिस बल या हमारे जो भी प्रशासन के कर्मचारी हैं नए हैं, थोड़ा कम है हर बार से। इलेक्शन आपको जानते हैं, महापर्व है लोकतंत्र का और ये हमारा महापर्व है सूर्य भगवान का छठ। और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, पूजा के रूट, मार्ग, समय, कुंड की सुरक्षा,
जल कुंड के इर्द गिर्द की सभी व्यवस्थाओं इस पर हमारी बारीक नज़र थी। अलग अलग टीम हमारी काम करती रही, आप देख ही रहे। कर्नल साहब ने भी अपने एनसीसी के बच्चे, स्काउट गाइड के हमारे सभी होनहार हमेशा की तरह यहाँ हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं। चुनाव की वजह से यहाँ की तैयारी में कोई भी कमी न रह जाए, इसके लिए हमने अलग टीम यहाँ दी है। आप देख रहे हैं यहाँ के अधिकारी बिल्कुल भी चुनाव ड्यूटी में नहीं है, और पूरे मनोयोग से वो अगले 36 घंटे से ज़्यादा यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। लोग सभी जनता से अनुरोध किए हैं कि सुबह के सत्र में खास करके यहाँ मंदिर और मेला मतदान कर लें, और महापर्व दोनों हैं, लोकतंत्र का निर्वाचन और यहाँ आस्था का महापर्व है चैती छठ, दोनों में प्रत्येक व्यक्ति भाग लें। इसमें समय अलग अलग है, कोई दिक्कत दिन भले ही सेम है, मगर हमारा शाम का अर्घ है कल, हम सुबह कर सकते हैं आराम से मतदान दोपहर तक, यही संदेश है। दोनों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, श्रद्धा से भाग लें। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कल यानी 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से न सिर्फ तैयार है, बल्कि डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और चुनाव सामग्री लेकर मतदान कर्मियों के अपने संबंधित बूथ तक की रवानगी हो गई है। डीएम और एसपी खुद सिन्हा कॉलेज परिसर स्थित डिस्पैच सेंटर पर मौजूद थे और अपनी निगरानी में पोलिंग पार्टियों को बूथ की ओर रवाना कर रहे थे। जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि औरंगाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को 103 सेक्टरों में बांटा गया है। इसी तरह से तीनों विधानसभा क्षेत्र को 18 जोन और 3 सुपर जोन में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सभी क्रिटिकल बूथों को चिन्हित कर लिया गया है, जोन स्तर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने मतदाताओं से भयमुक्त होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 1965 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 742 बूथ संवेदनशील हैं, जबकि 421 बूथ नक्सल प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 17,37,821 मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आज हम लोगों का PCCP पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी राष्ट्रीय दल और संग्रह पार्टी रवाना हो रहा है सिन्हा कॉलेज परिसर से। एक घंटा हमने उनको दिशा निर्देश दिए, ब्रीफिंग की, चुम्बा हाउस बिल्डिंग में हो रहा है, फिर यहाँ औरंगाबाद विधानसभा हमारी बाई तरफ सभी टीम के सदस्य आ चुके हैं, उनको मशीनें दी जा रही हैं, सभी गाड़ियाँ सामने मैदान में हैं, सिन्हा कॉलेज हॉस्टल के मैदान में, और PCCP नंबर लिखा है, बूथ नंबर लिखा है। टीम के सदस्यों को एक दूसरे के खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जाकर वहाँ बैठ जाएंगे मशीन में, कि उनके बाकी सदस्य बिना माइकिंग के बिना मोबाइल के उसके सब एक साथ मिल जाएंगे। ये PCCP बूथ पर मशीन देते हुए आखिरी बूथ पर जाकर खुद स्थित हो जाएंगे, स्टैटिक हो जाएंगे, और कल शाम को शांतिपूर्ण मतदान के बाद सब कुछ संग्रह करते हुए वापस कल रात को यहाँ जमा कर देंगे। सिन्हा कॉलेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है तैयारी। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के एक होटल में छापामारी कर पुलिस ने 1,14,000 रुपया बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर होटल के एक कमरे में की गई इस कार्रवाई में पुलिस को एक बैग में रखा हुआ ये रुपया बरामद हुआ है। SDPO अनूप कुमार ने बताया कि ये बैग अभयगिरी का है, मगर छापामारी की भनक लगते ही बैग मालिक वहाँ से फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और नियमानुकूल आगे की कार्यवाही की जाएगी। सूचना थी, गुप्त सूचना थी, उसी के आधार पर छापामारी की गई है। CO साहब हैं उधर के और मुफस्सिल के थाना प्रभारी भी हैं। वो 1,00,000 रुपया एक अभयगिरी है उनके पास से, उनका जो बैग है उसमें से बरामद हुआ है। क्या कार्रवाई हो रही है सर? कार्रवाई जो इसमें जो नोट मिलने पर जो कार्रवाई होती है, 50,000 से बेसी कोई कैरी नहीं कर सकता है, 50,000 से अधिक अमाउंट है अमाउंट सीज होगा, उसके सोर्स की जांच की जाएगी, पैसा कहां से आया, वैलिड सोर्स का। माँ विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
नक्सलवाद से अधिग्रस्त औरंगाबाद जिले में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव कराने के उद्देश्य से इस बार अर्धसैनिक बलों के साथ अश्वारोही दस्ते की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। अश्वारोही दस्ता यहां पहुंच चुका है और बिहार तथा झारखंड के बॉर्डर इलाके में उनकी प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है ताकि विशेष परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जा सके। जिला पदाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उन इलाकों में अश्वारोही दस्ता काफी उपयोगी साबित होगा। अश्वारोही दस्ता पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति में जंगली भाग में बहुत सक्षम होता है। अचानक कोई विधि व्यवस्था या किसी को पकड़ना है, कोई भाग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, पैदल ज़्यादा चढ़ाई पे तो कांप जाते हैं लोग, दौड़ नहीं पाएंगे। नक्सल एरिया में यह अश्वारोही दस्ता आधे घंटे 15-20 मिनट तक बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करता है, इसलिए उसको चुनाव में मंगाया गया है। बिहार झारखंड बॉर्डर पर जो भी गतिविधि अगले 48 घंटे रहेगी उससे निपटने के लिए अश्वारोही दस्ता है। निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों की घोषणा तो जरूर कर दी है, लेकिन निर्धारित तिथि के अनुसार प्रथम चरण यानी कल 11 अप्रैल को औरंगाबाद में मतदान होना है, मगर उसी दिन लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का पहला अर्ध भी है। ऐसे में चुनाव पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। खासकर औरंगाबाद जिले के सूर्य नगरी देव में इस मौके पर 4 दिवसीय मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें तकरीबन 8 से 10 लाख छठ व्रती तथा श्रद्धालु यहां जुटते हैं। ऐसी स्थिति में यहां चुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए न सिर्फ चुनौतियों भरा साबित होगा बल्कि मतदान के प्रतिशत पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। इधर औरंगाबाद के डीएम राहुल रंजन महिवाल ने लोगों से अपील की है कि अहले सुबह सभी श्रद्धालु अपना वोट डालें और उसके बाद लोक आस्था के महापर्व छठ का अनुष्ठान करें। इसे की महापर्व हिंदुओं का आस्था के पर महापर्व ही भगवान का छठ का, छठ से वैसे पर वोट का नहीं मान रहा लोग। अभी भी आप 10 लाख आदमी का भीड़ लगता है, फिर भी 5 लाख तो भीड़ लगेगा ही, 5 लाख तो वोट नहीं दे पाएंगे यहाँ के लोग। जो 5 लाख आ चुके हैं वोट कहाँ दे जाएंगे, वो तो वोट देंगे नहीं। वो तो इसे कि पर्व है ना, महापर्व है, हिंदू का पर्व नहीं महापर्व है। और जो आ चुका है पूरे बाल बच्चे के साथ, वो महापर्व तो नहीं चलेगा, ये पर्व कोई मान रहा है। देवछठ चैती छठ को उसी उत्साह और श्रद्धा से पूरा किया जाएगा। लोकतंत्र के इस महापर्व मतदान के साथ आस्था के महापर्व को दो अलग अलग टीमें, इसलिए हमने काम बांट दिए हैं, दायित्व उनके बंट चुके हैं और उसको भी हम लोग सफलतापूर्वक करा लेंगे। उस क्षेत्र में जो हमारे बूथ हैं 12 मतदान केंद्र, उसके लिए भी हमने अलग से टीम बनाकर व्यवस्था कर ली है। लोगों को भी आह्वान किया है, अनुरोध किया है कि आप सुबह के समय मतदान कर लें ताकि आपका वो हक भी नहीं छूटे और जो धार्मिक आस्था है उस के लिए जो श्रद्धा है वो आप दोपहर के बाद उस काम को भी कर सकते हैं। मतदान प्रतिशत नीचे नहीं आए इसके लिए हम लोग काफी। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की मंशा उस वक्त ध्वस्त हो गई जब उनके द्वारा प्लांट किए गए 2 केन बमों को पुलिस ने बरामद कर लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन चला रही CRPF की टीम ने डिबरा थाना क्षेत्र के वन विशुनपुर गाँव से एक तथा दुलारे गांव के पास से दूसरे बम को बरामद किया है। बरामदगी के बाद बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी गई है ताकि इन्हें डिफ्यूज किया जा सके। नक्सली इलाकों में 3 बम लगा रहे हैं, जो कि घटना है, हमारा पथक दस्ता वहाँ जा चुका है, डिफ्यूज कर रहा है, रास्तों की डीमाइनिंग हो रही है। हमारी टीम अगले 36 घंटे में पूरा सुरक्षित वापस आए, इसके लिए हर चप्पे चप्पे पर मशीन से लोग चेक कर रहे हैं, IED, कोई भी अनजान वस्तु को कोई ना छूए। हमारे ASP अभियान को बुलाए, उनकी टीम आएगी, गाड़ी से उतर के जहाँ शाम को पैदल जाए ऐसा बताए। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर सूर्य नगरी देव में गंगा यमुनी तहजीब के नज़ारे एवं कौमी एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। छठ के पावन अवसर पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने वाले सूप एवं दौरे की बिक्री बढ़ी हुई है, लेकिन इस बिक्री ने एक मिसाल स्थापित की है। यहाँ सूप दौरे की बिक्री हिंदू नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते हैं। देव सूर्य कुंड के पवित्र घाट के किनारे सूप एवं दौरे के जितने भी दुकान सजे हुए हैं, वे सारे के सारे मुसलमान भाइयों के हैं एवं श्रद्धालुओं द्वारा धरने से बिना किसी भेदभाव के इन दुकानों से सूप
एवं दौरे की खरीदी की जा रही है। गौरतलब है कि 40 वर्षों से भी अधिक समय से छठ घाटों पर दर्जनों मुसलमान भाइयों द्वारा त्योहारों के मौके पर सूप एवं दौरे की बिक्री की जाती है और इसी को बेच इन सारे दुकानदारों के परिवारों को दो जून की रोटी मिल पाती है। यहाँ हम लोग बचपने से, जब से मेरा हम लोग का होश आया तब से हम लोग यहाँ दौरा सूप बेच रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सब यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। छठ बहुत भीड़ लगता है यहाँ और यहाँ किसी की परेशानियाँ नहीं होती है। हर एक मतलब बहुत के यहाँ लोग दूर दूर के आते हैं यहाँ छठ करने। हम लोग दौरा सूप बेचते हैं यहाँ सब लोग। आज 30 माने 35 बरस से हम यहाँ पर ओढ़िया बेच रहे हैं। हम लोग जाति मुसलमान हैं और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। मैंने 90% यहाँ पर जो हम लोग यहाँ इस एरिया में है तो खाली मुसलमान हैं और हम लोग छठ वाला जो भी है हम ही लोग बेचते हैं। और कुछ बाहर से भी आते हैं तो लोग बेचते हैं और लोग खरीद करके अपना त्यौहार करते हैं और कोई यहाँ पर मैंने छुआछूत के भेदभाव नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।